पहला चैप्टर है कौन सा, अध्याय एक प्रकाश आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कौन सा तैयार करना है, तो एक बार ये पढ़ सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन पूछता नहीं लेकिन आप पढ़ सकते हो कि प्रकाश क्या है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश क्या है वही तो आपको बताना चाहिए, तो एक बार इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन पूछता नहीं लेकिन आपको एक बार नॉलेज, मतलब आपका जनरल नॉलेज के लिए ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का वो स्वरूप जो वस्तु को देखने में सहायक होता है प्रकाश कहलाता है, ठीक है, संश्लेषण नहीं आएगा इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है जो कि आपके पेपर में पूछता है, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछेगा। प्रकाश के प्रमुख गुण लिखे, कोई दो गुण आपको पूछेगा, तो जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, अर्थात प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आप याद लिख सकते हो कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो आप तैयार करके जा सकते हो, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिएगा कि प्रकाश का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको पूछेगा। तो प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, ये प्रकाश का वेग होता है, तो ये याद कर लीजिएगा। वैसे दो याद करना है लेकिन ये तीन जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला भी याद कर सकते हैं कि प्रकाश किरण एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई एक, ये मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक है, ये कोई माध्यम है, माध्यम मतलब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से कैसे हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। और जो परावर्तन, मतलब यहाँ पर इसको सीधा जाना चाहिए था, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक बार समझाता हूँ कि परावर्तन क्या है। तो ये देख लीजिए, ये कोई माध्यम है, ठीक है, मान लीजिए पानी है, ठीक है, वायु है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये प्रकाश आ रही, प्रकाश किरण ऐसी आ रही, तो इसको कैसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, मतलब सीधी चली जानी है, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं जाएगी, थोड़ी ऐसी चली जाती है, ठीक है। तो यही है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परिवर्तन, मतलब अगर आपको पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराती है तो पुनः अपने मार्ग में लौट जाती है, यही प्रकाश का क्या, परावर्तन, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की आपको परिभाषा बताना है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने के बाद वो रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश, अगर आपको पूछे इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो वर्ण विक्षेपण का ही उदाहरण है वो, इंद्रधनुष आपने देखा होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कोई उदाहरण पूछे तो इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष का देखना, इंद्रधनुष का बनना, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, छाया किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको पूछेगा छाया के प्रकार क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो छाया क्या है, यदि किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो वस्तु की दूसरी ओर अंधेरा छा जाता है, इसे छाया कहते हैं। छाया के दो प्रकार है, प्रछाया, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रछाया क्या है, छाया के जिस भाग में प्रकाश स्रोत में प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है प्रछाया कहलाता है, ठीक है। वो छाया का कौन सा भाग जिसमें प्रकाश स्रोत में से प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, दूसरे का है उपछाया। छाया के दो प्रकार है, प्रछाया और उपछाया। तो प्रछाया के चारों ओर का वो भाग जिसमें प्रकाश स्रोत से कुछ प्रकाश पहुंच जाता है उसे उपछाया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रहण से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार का होता है, तो ग्रहण से आप क्या समझते हो, यहाँ पर बताया गया ग्रहण दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा आगे, ठीक है, आप इसे नोट करो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, तो यहाँ पर आपको बताया गया, आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, सूर्य ग्रहण क्या है, ये कब पड़ता है, ये कब पूर्ण और कब आंशिक होता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको निकट दृष्टि दोष क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कारण पूछे जाते हैं, निवारण तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके आपको यहाँ पर कारण बताना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके भी आपको कारण पूछेगा, निवारण तो नहीं पूछा जाता है,
लेकिन ये पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे जो आपका जो दूरदृष्टि दोष है उसके निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, लेंस किसे कहते हैं। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस क्या होता है ये पूछेगा, इतना ये याद नहीं करना है आपको, बस लेंस किसे कहते हैं याद रखना, और लेंस के आपको प्रकार याद करना है, उत्तल लेंस और इनके प्रकार नहीं पूछता है। ठीक है, ये बस ये याद रखना कि उत्तल लेंस क्या होता है, ये लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, और जबकि जो अवतल लेंस होते हैं ये बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनके उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद लेंस के कोई चार उपयोग पूछेगा आपको, उत्तल लेंस की दो विशेषताएं बताना है। तो उत्तल लेंस की जो दो विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस की दो विशेषताएं याद कर लेते हो तो आप फिर अंतर भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तीन विशेषताएं बता रहा हूँ, दो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अवतल लेंस की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर आकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मिलते हैं अगले में, जय हिंद।